नमस्कार दोस्तों, मैं आरके पटवारिया फिर हाजिर हूँ एक नई ट्रिक के साथ में। आज मैं गूगल की एक नई ट्रिक बताने वाला हूँ, तो चलिए जानते हैं गूगल की वो नई ट्रिक्स क्या है। सबसे पहली ट्रिक है टाइमर। आपको गूगल में टाइमर भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी रिस्ट वॉच की आवश्यकता नहीं है। तो टाइमर कैसे यूज करते हैं, उसके लिए हम वेब ब्राउजर ओपन करेंगे। जैसे कि मैंने पहले से ही वेब ब्राउजर ओपन किया हुआ है और आप यहाँ पर टाइप करेंगे टाइमर, तो यहाँ पर आपके सामने जो टाइमर का ओपन पेज स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर टाइमर के लिए 5 मिनट का टाइम सेट है अभी डिफॉल्ट में। अगर आप स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये टाइमर आपका काम करने लगेगा। ये देखिए दोस्तों, काम करने लगा। इसको आप यहाँ से लार्ज भी कर सकते हैं, यहाँ से सिर्फ नॉर्मल स्क्रीन पर ला सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं आप टाइमर को, स्टॉप कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप स्टॉप वॉच भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। स्टॉप वॉच पर क्लिक करते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों कितनी तेजी से स्टॉप वॉच यहाँ पर काम कर रही है। दूसरी थी सर्च बार में टाइप करना है डू ए बार वेल रोल। देखिए दोस्तों ये वाला सर्च कर लेना है और जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे आपका गूगल का जो होम पेज है वो घूमने लगेगा। देखिए दोस्तों मैं एक बार दोबारा सर्च करता हूँ, जैसे भी सर्च करूंगा मेरा ये गूगल का होम पेज रोटेट हो जाएगा, रोल हो जाएगा। तीसरी ट्रिक, आपको टाइप करना है टैग्स और सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे देखिए दोस्तों आपका ये यहाँ पर जो गूगल का जो ये सर्च बार है थोड़ा टेढ़ा हो गया है और इसका पूरा होम पेज भी टेढ़ा सा हो गया है। अगर मैं गूगल को पेज को नॉर्मल ओपन करूँ तो वो सीधा आता है, एकदम सीधा आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं डिटेल सर्च करूंगा, क्लिक करूंगा और एंटर करूंगा तो मेरे गूगल का ये पेज थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों गूगल अमेजिंग ट्रिक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना ना भूलें और आने वाले सभी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों।